नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताजा अपडेट पहुंचे आपके पास। जो आप सीओ ऑफिस आई हो, क्या मामला है, क्यों आई हो? लड़ाई झगड़ा के मामले में आए हैं और लड़की को हमारे पकड़। आप अच्छा किस गांव से आई हो? फैजलपुर से। क्या मामला है? लड़की हमारी लेटरिंग करने गई, 10 कदम लेटरिंग घर से बाहर है तो वहीं पर उसने पकड़ लिया। कौन कौन थे, किन्ने पकड़ा? विजय ने। बाप का नाम क्या था उनका? शुक्लाल। अच्छा, जे किस किस गांव में रहने वाले हैं? फैजलपुर। थाना कौन सा लगता है? हाफिजगंज। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम शिकायत करने गए तो उन्हें बुरी तरीका से हमें, हमारे दामाद को, हमारे घर वालों को बहुत मारा है। कहाँ का चोट लगी? उनके सिर पटा है, हमारा ये हाथ में चोट लगी, पता नहीं टूटा है क्या, इसमें टूटा ही हुआ लग रहा है, चल नहीं रहा कतई। तो तुम्हारे गांव का जो व्यक्ति विजय है, तो तुम्हारे लड़के साथ का गलत काम करा? अच्छा, उसके शिकायत तुम थाने पहुंची? थाने में क्या क्या सुनवाई हुई? थाने हम कल शाम गए। जब थाने पहुंची फिर क्या हुआ? थाने गए, हमने एप्लीकेशन दिया, हमने कही हमारी लड़की के साथ बलात्कार किया है, छेड़छाड़ किया, तो इन्होंने कोई हमें अभी तक जवाब नहीं दिया, 24 घंटे हो गए। तो आप क्या चाहती हो? आप यही चाहते हैं जो लोग जेल जाएं? मतलब ये चाहते हैं इन पर कार्रवाई? हाँ, सख्त होना चाहिए, कतई गाँव में दिखना नहीं चाहिए। जेल में बहुत तरीका से पीटा है, हमारे दामाद के भी चोट बहुत आई। हमें भी मारा, लातों घूंसे से जमीन में डालकर। तुम्हारे चोट कहाँ? हमारी, हमारे हाथ में है, हाथ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया और हमारे दांतों में दांत हल्ला है, दांत में भीतर अंदर नाक में दर्द हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।